हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिस्ता कुकीज़ की रेसिपी। जी हाँ, अगर आप इस पिस्ता कुकीज़ को एक बार बना लेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुकीज़ घर में आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कुकीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 100 ग्राम के करीब बटर। बटर हमारा रूम टेम्परेचर का होगा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा, बिल्कुल नरम होगा। इस तरह का ही हमें बटर चाहिए। अब 100 ग्राम बटर में लगभग 120 ग्राम के करीब हम शुगर ऐड करेंगे। अब बटर और शुगर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से फ्लफी नहीं बन जाता। आप चाहे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैंड विस्कर यूज़ कर सकते हैं या स्पैचुला यूज़ करते हैं तो इसमें आपको 8 से 10 मिनट का समय लग जाएगा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बटर और शुगर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब मैदा। इसे मैंने अच्छे से छान लिया है, आप भी इसे अच्छे से छान करके ही मिक्स करिएगा। उससे जो कुकीज़ होती है बहुत अच्छी बनती है। अब जब हम 100 ग्राम मैदा यूज़ करेंगे तो उसमें 50 ग्राम के करीब उसे में हमें बेसन लेना है और 30 ग्राम के करीब सूजी ऐड करना है। यही रेशियो रहेगा एक अच्छी कुकीज़ बनाने के लिए। ऊपर से हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून के करीब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना, इन सबको हम अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से कुकीज़ का टेस्ट जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। हम पिस्ता कुकीज़ बना रहे हैं, उसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारा पिस्ता। आप चाहे तो पिस्ता के अलावा भी और सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैंने केवल पिस्ता का यूज़ किया है। अब हम उसमें 2 से 4 ड्रॉप मिल्क का ऐड करके उसका एक अच्छा नरम डो तैयार कर लेंगे। डो को फ्रीज में शिफ्ट करने के पीछे रीज़न ये है कि जब हम डो को फ्रीज में शिफ्ट करते हैं तो वो सेट हो जाता है, मतलब कि उसमें जो बटर है वो अच्छे से सेट हो जाता है। तो जब जैसे ही हम इसे अवन के अंदर डालते हैं तो ये बिल्कुल तुरंत मेल्ट नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। कुकीज़ जो हमारी जो है वो फैल करके बिल्कुल फ्लैट नहीं बनती। इसलिए डो लगाने के बाद डो को 30 मिनट्स के लिए फ्रीज में या फिर 20 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिया है ट्रे, जो हम अवन के अंदर ट्रे यूज़ करते हैं। अगर आप इस तरीके का ट्रे यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई स्टील का प्लेट या थाली यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर बेकिंग पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर यूज़ कर सकते हैं। उससे जो कुकीज़ है वो अंदर चिपकेगी नहीं। इस ट्रे पे तो कुकीज़ बिल्कुल नहीं चिपकेगी, तो हमें पार्चमेंट पेपर या फिर बेकिंग पेपर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इस तरीके से हम गोल गोल लड्डू के शेप में कुकीज़ के डो को बना के रख लेंगे। अगर कुकीज़ जो है बनने के बाद साइज़ में डबल हो जाती है, तो अगर इसे हम फैला के रखेंगे, डो को हमें फैला के नहीं रखना, अगर हम उसे फैला के रखेंगे तो वो साइज़ में और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल राउंड शेप का, बॉल के साइज़ का बना करके इसे रखना है, डो को रखना है। ऊपर से हम पिस्ता चिपका देंगे। अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं तो आप उसे चिपका सकते हैं, काजू, किशमिश, बादाम, जो भी आप ऐड करना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये ट्रे को हम प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री पे, मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। अब टेम्परेचर को हम सेट कर देंगे कुकीज़ के लिए 160 डिग्री पे। 160 डिग्री पे हम 20 मिनट्स के लिए इसे बेक करेंगे। 160 डिग्री पे हम मिडल रैक पे रख कर इसे बेक करेंगे लगभग 20 मिनट के लिए। बीस मिनट के बाद हम अपनी कुकीज़ को निकालेंगे और ये देखिए, हमारी कुकीज़ जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हमें करना है ठंडा। जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए, इसको ट्रे से बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, वरना ये टूट सकती है। तो 10 से 15 मिनट तक इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हमारी जो कुकीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के निकल चुकी होगी। ये देखिए, हमारी कुकीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है
और इस स्टेज पे हम अपने कुकीज़ को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, इसमें जितने ज़्यादा क्रैक्स होंगे कुकीज़ में वो उतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ये कुकीज़ की निशानी है। तो आप ये बनाइए तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। 15 से 20 मिनट में ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाती है परफेक्ट तरीके से।